हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार प्रैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई है गांव में, तो वो जिद कर रहा है जाने के लिए। तो मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, लेकिन मुझे उनके साथ प्रैंक करना है। तो प्रैंक को आप पूरा देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखते गाइस, पूरा वीडियो को जरूर देखना। A few moments later. जल्दी पैकिंग नहीं कर लिया तुमने? हाँ, पैकिंग कर लिया तुमने? किस चीज की पैकिंग? कल रात को बताया गया था क्या गांव जाना है हमें। हमें चल देंगे, उसमें क्या है? मैं साथ, हमें तुम भी चलोगे ना साथ में? ठीक है, कितने दिन में आएंगे? वही रहेंगे हम। अब क्यों पागल है? रात को बताया तुझे? मैंने सोचा तुम मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा देखा तूने, मैं ट्रांसफर लेटर आया हुआ है। गांव का लोग गांव से शहर आते हैं और हम शहर से गांव जाएंगे। भाई पोस्टिंग हुई है, क्या करेंगे फिर ये बता। नहीं, गांव वाव का कोई सीन नहीं है, मैं गांव नहीं जाऊंगी। वहाँ पे गांव गांव में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, मम्मी पापा के साथ रहेंगे। मैं आऊंगा हफ्ते में एक बार आया करूंगा वहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं गांव नहीं जाने वाली। तुम्हारी पोस्टिंग हुआ है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कोई गांव आओ, मैंने कोई पैकिंग वैकिंग किया भी नहीं और ना मैं जाऊंगी। तुम एक काम करो ना, तुम नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या फिर? क्यों, यहाँ नौकरी की कमी है क्या शहर में? कोई और नौकरी कर लो। सरकारी नौकरी है? सरकारी सिर्फ नाम का रह गया है, प्राइवेट में ज्यादा पैसा मिलता है। 6 साल हो गया मुझे वहाँ पे। तो आप जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गांव से, मेरे को तो पहले गांव से शहर ले आए, ठीक है? अब मैं यहाँ के मैं ढल चुकी हूँ, तो अब कह लो तू अब गांव चल। तो मैं तुम्हें क्या पागल दिख रही हूँ क्या? गांव जाऊंगी मैं, नहीं जा रही गाँव कोई। हाँ तो तू कहाँ रहेगी फिर? मैं यहाँ रह लूंगी, अब मेरे को मम्मी घर छोड़ देना। रह लेगी मम्मी घर 6 महीने तक? हाँ 6 महीने, मैं तो सालों साल रह लूंगी मम्मी घर, उसमें क्या है? अरे यार, वहाँ कोई रहने लायक जगह है क्या? गांव में वहाँ खेती बाड़ी करूँ क्या? गांव ऐसे होते हैं। नहीं, मेरी बस की नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से तो गांव से पीछा छोड़ के यहाँ आई हूँ। शहर आई हूँ किस बात के लिए? हाँ गांव जाओ, गांव नहीं जा रही मैं कोई, ठीक है? तुम जाओ, तुम्हारा पैकिंग कर दूंगी, तुम जा सकते हो। मैं यही रहूंगी। दिमाग में खराब कर, रात को मैंने बोल दिया था चलना है यहाँ। क्या है तेरा, क्या कौन है तेरा यहाँ पे जो तू यहाँ रहेगी? अरे मेरे को गांव में रहना ही नहीं है यार, गांव का माहौल मुझे पसंद नहीं। मजबूरी होती है? कोई मजबूरी नहीं है मेरी, कोई मजबूरी। 6 महीने की बात है? 6 महीने? 6 महीने नहीं, मैं 6 दिन के लिए जा सकती हूँ, 6 दिन से ज्यादा नहीं। 6 दिन भी मेरे लिए 6 साल के बराबर है, और 6 महीना मतलब समझ रहे हो, मेरे लिए 600 साल के बराबर है। गाँव चल, गाँव वाँव नहीं जा रही मैं कोई। हाँ ड्रामा मत कर, तैयार हो जा, तेरी माँ को फोन करूंगा। नहीं तो मैं भी मम्मी को करो, चाहे किसी को भी करो, मम्मी का कोई मतलब नहीं। मम्मी ने शादी करा दिया, अब मेरी मना की देखो कैसे ये मना कर रही है, गांव में नहीं रहूंगी मैं, यही रहूंगी। इंसान की पोस्टिंग होगी तो जाएगी नहीं क्या? तो तुम्हारी पोस्टिंग हुई है ना, मेरी पोस्टिंग हुई है क्या? अपने साथ मुझे क्यों घसीट रहे हो? तो तू मेरे बिना रह लेगी? आराम से रह लूंगी, मजबूरी है क्या? गाँव से तो अच्छा है कि मैं यही रह लूँ। चल सही है भाई, यही रहेगी तो कोई बात नहीं। मेरे को नहीं रहना है, गाँव जाओ। ना रहेगी तू, तेरे को 1 रुपया नहीं भेजूंगा मैं। पहले अच्छा, मेरी कंडीशन सुन ले। मैं नौकरी कर लूंगी फिर। हाँ ठीक है ठीक है, ये घर दे दूंगा किराए पे, यहाँ नहीं रहेगी, अपना किराए पे देख लियो कहीं भी। हाँ मैं मम्मी घर रह लूंगी अपने। हाँ बस ठीक है, और यहाँ नहीं रहने दूंगा। ठीक है, सही है फिर तो, फैसला कर लिया तो ठीक है। जबरदस्ती है कोई, औरतों को देख ले, गांव में जाने के लिए माँ बाप की सेवा करने के लिए कितना बेताब होती है। अच्छा कौन औरत है, ऐसे कौन है, दिखा दो जरा। अंधे आदमी गांव का खान पान देखा कितना अच्छा होता है। हाँ खान पान खा खा के इतने ढोर हो रहे हो, और गांव के खान पान खाओगे तो और ढोर हो जाओगे। वहाँ की सभ्यता जानती है? सभ्यता वहाँ का सभ्यता यही है क्या, बीवी से उल्टा बोलो? नहीं, वहाँ की सभ्यता ये है कि माँ बाप को भूल जाओ।
अरे यार भूलने के लिए अभी तो 10 मिनट पहले बात हुई है तुम्हारी मम्मी से पापा से सबसे, फिर जाते रहते हैं महीने में एक दो बार। सुनना ठीक है, तो मेरे को भी कुछ नहीं सुनना, सुनाना। पैकिंग कर और जी चल। नहीं मैं नहीं, नहीं जाने वाली, सॉरी मेरे को नहीं जाना कोई गाँव वाँव। तुम्हारे बताने से क्या होता है, मेरी मर्जी है मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, बकवास कर रहे हो। तेरी मर्जी है, अपना सामान उठाओ चलते बनो जाओ। मर्जी गधे की होती है तेरी, तू गधी है क्या? तमीज से बात कर लो, जिसमें तमीज नहीं है तो वहां और बात करने की जरूरत नहीं है। तो ड्रामा मत कर, तैयार हो जा जल्दी से। बोल दिया ना नहीं हमें कल जाऊंगी, निकलना है, कल की टिकट है हमारी, कल की हो चाहे कब की हो मेरे को नहीं जाना। ट्रेन की टिकट है, वहाँ पे गोबर ओवर सब ला ला पेगी तू। अच्छा मैं गांव से शहर आई हूँ, अब शहर में पूरा ढल चुकी हूँ, अब मैं वहाँ गोबर पाटूंगी जाके? तुम्हारा दिमाग खराब है कि सही है, पागल हो गए? गोबर कितना शुद्ध होता है। अच्छा तो तुम ही कर लेना, शुद्ध होता है वो। औरतें करती हैं वहाँ पे, मैंने भी किया है। आदमी लोग करते हैं, मैंने भी किया है वहाँ पे। हाँ तो और कर लेना जाके, मेरे बस की नहीं है। फर्श कितना ठंडा होता है गोबर का पता तुझे? हाँ तो वहीं जाके सो जाना, वहीं जाके 6 महीना नहीं, छोटा है तेरे को वहाँ पे तेरे को सोना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना है ना, मैं जाऊंगी। सिर्फ 6 महीने की बात है बस। मैंने बोल दिया ना मेरे को नहीं जाना है, बोल दिया। कर लियो 6 महीने बस, फिर बोल दिया नहीं जाना है। लाइफ टाइम तो थोड़ा बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम तो छोड़ो, मुझे 6 महीना तो मैं जाऊंगी नहीं। हाँ नहीं तो जबरदस्ती है क्या कोई? मुझे नहीं जाना है बाबू, ऐसा नहीं कहते ठीक है। 6 महीने है बस, माँ बाप की सेवा कर लियो 6 महीने तक, फिर हम फिर मेरा दोबारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बोल दिया उन्होंने मेरे को। अरे भैया मुझे नहीं जाना गाँव यार, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं गाँव जा सकती, मैं गाँव के माहौल में से मैं यहाँ आई हूँ, अब मैं दोबारा गाँव जाऊँ? पीछे देखो पीछे। सही कह रही है, ये मैंने गलती करी तेरे को गांव से यहाँ लाके। हाँ अब गलती तुमने कर लिया ना, अब भुगतोगे भी तुम, गलती की भुगतान भी तुम ही करोगे ना, मैं थोड़ी करूंगी। सब बात सही कह रही है, करना पड़ेगा मुझे। बस बात खत्म, तुम अपना जाओ, पैकिंग कर देती हूँ, अपना उठाओ। नहीं मेरी पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पैकिंग खुद कर लूंगा। ठीक है थैंक यू सो मच, जाओ तो पे तू अपना देख लियो बस। मैं अपना देख लूंगा, नहीं रहेगी तो बस मैं अपने मम्मी घर रह लूंगी यार। ठीक है एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, जबरदस्ती एक कोई घर में ले जाके काम करवाओगे तब तो ठीक है पैसे दोगे, नहीं तो पैसे नहीं दोगे। तुम्हारी काम वाली भाई हूँ क्या मैं? कोई बात नहीं मिलेगा एक पैसा। बदतमीज आदमी, तमीज नहीं है बात करने का, तुझे तो बहुत तमीज है। जब भी तो मना कर देगा जाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी बोल दिया ना, यहाँ मेरा सुबह सुबह काम हो जाता है, मैं पूरे दिन बैठ के टीवी देखती हूँ, घूमती हूँ, आस पड़ोसियों से बात करती हूँ। वहाँ क्या घूंघट में पर्दे में बैठी रहूँ क्या, पागल हूँ क्या मैं? वहाँ चली जाऊंगी, वहाँ भी टीवी है। नहीं मेरे को नहीं जाना वहाँ, वहाँ पे तो जबकि अच्छी लाइट है, वहाँ सोलर वाली लाइट है, वहाँ तो लाइट जाएगी भी नहीं, धूप से चार्ज हो जाता है वो तो। अरे यार मेरे को माफ करो तुम, ठीक है मैं नहीं जाना, मुझे तुम जाओ, तुम्हें मुबारक हो गाँव। ठीक है भाई मैं जाऊंगा। ठीक है आप दोबारा डिस्कस मत करना, खत्म, बाय बाय टाटा। अच्छा सुनो भाई, सुनो वहां तो देखो वहां देखो कुछ, उसके पीछे बैग 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 के पीछे मैंने कैमरा लगा रखा है, इसीलिए मजाक कर रही हूँ। मैं गांव जाऊंगी, मेरी पैकिंग भी हो गई है, समझ में आया? थी ये तो हाँ प्रैंक कर रही थी मैं, सोचा सब्सक्राइब के लिए तो बोल दो कि अचानक क्या होता है, कैसे चेंज हो गई एकदम से। गाइस तो गाइस ऐसे सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ सकती है, तो प्लीज उसको बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट ना करे कि नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। सबके सिचुएशन आती है, एक ना एक टाइम ऐसा होता है, तो कभी मना नहीं करना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट कर दो, और कमेंट कर दो। ठीक है ठीक है ओके। मैं मजाक कर रही थी तुम।